नो यस नो यस, देख पा रहे हो? हाँ ना, देख पा रहे हैं। ऑल राइट, हाई एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। वेलकम वेलकम वेलकम। आज बहुत ही बड़ा दिन है, ठीक है? आज बहुत ही बड़ा दिन है बिकॉज एज आई सेड, आई एम अहमदाबाद के एलुमनाई मिलने के लिए आ रहा हूँ। पूरा एक साल का हमें प्रिपरेशन प्लान बताएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है भाई? शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, फुल कंसंट्रेशन एवरीवन। अगर कंसंट्रेशन लेवल अप रहेगा तो मजा आएगा, अगर कंसंट्रेशन लेवल अप नहीं रहेगा कुछ समझ नहीं आएगा। लेट मी जस्ट क्विकली चेक विद अंकिता मैम इफ वी कैन हियर। हाई अंकिता, आर यू लाइव? कैन यू हियर मी? Hi, sir. Yes, I can hear you. All right, lovely. Ankita, if we can see you as well, that'll be great help. Yes. Okay, we can Hi, see sir. you. All right, guys, please welcome Ankita ma'am joining in from IIM Ahmedabad. How cool is that? Great, great. Bhai, koi recording break nahi ho raha hai, sab kuch sahi hai. Please, khidki ke bahar ladak jaiye, sab kuch badhiya ho raha hai, theek hai? They're all saying hello to you. Great, let's get the party started. Ankita is a graduate of IIM Ahmedabad, no NIT, no IIT, a normal, a typical. Ankita, BCom honors? No, sir, economic honors. Economics honors, economics honor, and killed cat with 99.07 IIM Ahmedabad. How cool is that, right? तो भाई आज के बाद कोई रोएगा नहीं, सिर्फ NIT IIT के लोग जाते हैं। ये भी बहुत स्टड बनती है और बहुत मेहनत करके, नॉन इंजीनियर्स भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं, हर तरह का बच्चा जा सकता है। एंड दिस गर्ल कम्स फ्रॉम अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, ग्रेट एक्सपीरियंस है, विल स्पीक अबाउट हर प्रोफाइल। एंड नाउ शी इज प्लेस्ड इन अ ग्रेट कंपनी। अंकिता, नाम बताना अलाउड है क्या? नहीं, शी प्लेस इन अ ग्रेट कंपनी बाय द वे, एंड उसके बारे में बात करेंगे। और पैकेज आप इमेजिन कर सकते हो आई एम अहमदाबाद के। अंकिता, पैकेज बताना अलाउड है क्या? नहीं, ठीक है, तुम्हें सब बता देंगे जब अंकिता नहीं रहेगी, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, ठीक है? चले भैया, लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स। टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू, रेंज बता दो। और अच्छा, रेंज 25 लाख से 35 लाख। हाँ बस, अभी और मत पूछो। चले भैया, लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स। रेंज वेंज सब तुम्हारी भी बनेगी, अभी फुल कंसंट्रेशन देके ध्यान से बात करते हैं, लेट्स बिगिन। अंकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन बोर्ड एंड थैंक्स फॉर व्हाटएवर यू डूइंग एट कैट किंग। भाई थैंक यू बोलो, बहुत सारी पीपीटीज के अंदर हेल्प करते हैं हमें और स्ट्रेटजी के लिए बहुत कुछ हमारे साथ काम करते हैं। और तुम्हारा जब इंटरव्यू कॉल आएगा, अंकिता आग लगा देंगे जब इनका इंटरव्यू कॉल आएगा। तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, कॉल लेके आना है, ठीक है? ग्रेट, लेट्स बिगिन। फाइव मस्ट डू थिंग्स फॉर कैट एस्पिरेंट्स। मैं वर्बल पे भी जाऊंगा बिकॉज ये बंदी 99.991 भी है वर्बलबिलिटी की, बट लेट्स बिगिन। अंकिता, एक साल में कैट प्रिपरेशन की बात करें, हाउ मच टाइम यू गेव फॉर कैट एक्चुअली, और एंड डू यू थिंक एक साल इज अ वेरी गुड टाइम टू किल कैट? So I think 1 year is like more than enough to kill cat if you want to. I would say don't just focus on like, you know, cracking cat, but cracking good IIM. And IIM does not come only for cat. You need to have a focus on GDPI as well, which you have to think from now only. Because what are you going to speak there on the interview panel, right? At the interview panel. So think about both cat as well as GDPI. Of course, major focus should be on cat because if you don't get a good score, you'll not get a GDPI call. So it doesn't matter whatever score, like, you know, whatever profile you have to have a good CAT score first. Superb. एक और चीज पूछनी अंकिता, जब ये CAT की preparation कर रही थी तो तू, you have this thing in mind के भाई जाना है तो अच्छा IIM जाना है और ABC type सी होना चाहिए? You have that feeling के you'll be sitting on that golden chair? I would not say I had that feeling, but definitely I had that aim that yes, I want to go into ABC only. That was definitely the aim. I knew that if I aim for, you know, like ABC, definitely LKI tak to aayi jayega kuch na kuch. So that was the aim, because if you aim low, you will go below only. Superb. So it's better to aim high. Superb, superb. So amazing, yaar. Let's begin. So Ankita, what are the top five things? Number one, what do you want to recommend them? Firstly, I would say like, CAT is all about three sections, right? Verbal, Quants and LRDI. I would start on verbal itself. So we five must do things. Firstly, include verbal. That is, you need to build your reading habit. That reading habit might come from anywhere. Like it can come from novels. It can come from, you know, newspapers. Or even if you just solve, you know, like RCs every day, I believe even that will help. You don't have to have like dedicated or ek novel hona chahiye jo mujhe ek hafta mein complete karna. It doesn't work that way for everyone. So you have to think what works for you and what will help you in solving the RCs and improving your vocabulary better. Superb, superb. So number one, reading. Start reading a lot as much as you can. Ankita, main ko A-honesses recommend karta hun. Kuch fayda hota hai A-honesses se? What's your recommendation?
I went through illnesses myself, so I believe that the way it is written, it helps you get a grasp of the content as well. Reading speed भी बढ़ती है उससे, because उस पर आप देखोगे ना कि एक जैसा लेवल नहीं होता है इंग्लिश का, धीरे धीरे बढ़ते जाता है. डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो जिसके आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता होता, सो यू हैव टू सर्च एंड दैट हेल्प्स यू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, इंप्रूव योर वोकैबुलरी एज वेल, राइट? सो यस, आई थिंक एओन विल हेल्प. ग्रेट. एंड एक और अगर टिप देनी हो, नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेडी जो किताब होती है, तुमने भी थोड़ी बहुत नॉर्मन लुइस देखी थी, डू यू रेकमेंड देम? आई डिड आई डिड नॉट कंप्लीट इट, बट आई डिड स्टार्ट विद इट ऑलमोस्ट लाइक 50%. आई डिड. सुपर. After that, I got a hold of the reading habit. I developed my reading habit through RCs and then looked search for words from there. But Norman Lewis helped me understand what kind of words, to understand the meanings of the words quickly and etc. Right? It helps you understand that. सुपर. तो भाई नॉर्मल न्यूज भी खत्म करिए, डैशबोर्ड पे वीडियोस रिकॉर्डेड पड़े हैं, 30 सेशंस पड़े हैं, वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो जाएंगे. नंबर टू, अंकिता, आई थिंक आई एम गोना स्किप द नेक्स्ट पार्ट, विल जस्ट टॉक अबाउट द फाइव टॉप थिंग्स टुडे, व्हाट आर रिक्वायर्ड टू दैट. ठीक है, नंबर टू, व्हाट्स योर नंबर टू अंकिता? नंबर टू विल अगेन फोकस ऑन द नेक्स्ट टू सेक्शंस, एलआरडीआई एंड कोअंस. फॉर दैट आई वुड से बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज इफ इट लाइक नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व, इवन इफ यू सॉल्व 1000 क्वेश्चंस इन दिस वन ईयर, इफ यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू विल नॉट बी एबल टू यू नो अटेम्प्ट इट ड्यूरिंग द एग्जाम. आई न्यू अ गाय लास्ट ईयर हु हैड लाइक यू नो लर्न्ड ऑल द लॉग फॉर्मूलाज, लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज, राइट? बट व्हेन ही वाज गिवन अ क्वेश्चन विद अ लिटिल ट्वीक, ही कुड नॉट सॉल्व इट. Like, but with a basic, you know, if you know the basic of how that formula is derived, you will be able to solve it. Super. So I would always say that firstly, focus on your basics, and eventually you have to focus on shortcuts, formulas, everything, but you okay. have to have basics. ओके लवली. अंकिता, ये बेसिक्स की बात करें तो डू यू थिंक अगर कोई भी बच्चा कैट 2022 की हमारे साथ तैयारी कर रहा है, ये मार्च अगर एंड तक, मार्च 2022 तक एक बार कंसेप्ट और बेसिक क्लियर हो जाएं, बेसिक मतलब यार एकदम इजी क्वेश्चन अगर कैट के अंदर आता है, दे शुड बी एबल टू सॉल्व इट, तो डू यू थिंक उसके बाद पुल अप कर सकते हैं? Definitely. I think एक timeline होना बहुत जरूरी है, because if you don't have a timeline, you will not be able to finish anything, right? You can take like the next 3-4 months to understand कि चलो at least मुझे सारे chapters के पता होना चाहिए कि सारे chapters में क्या है. At least अगर you know class 9, 10, 11 जैसे questions आए तो I will be able to solve it. And उसके बाद level up. And that level up can happen through your mocks, through you know through solving more questions from different LOD levels. क्या चीज दिमाग के अंदर रखनी है? Cracking IIM Ahmedabad. Thirdly, sir, moving out of CAT, again, I would say that you remember, right? You have 1 year. In 1 year, you can focus on both CAT as well as GDPI. You need to develop your profile. By profile here, I mean प्रोफाइल में बहुत कुछ आती है, या तो तुम ग्रेड्स ले आओ या फिर तुम अपने मतलब को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब कर लो, राइट? अभी ग्रेड, इफ यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, ऑफ कोर्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर ग्रेड्स, एंड इफ यू आर नॉट देन फोकस ऑन इम्प्रूविंग अदर थिंग्स, बिकॉज एट द एंड तुम जब जाओगे पैनल के सामने, इंटरव्यू पैनल पे रहोगे, कुछ बोल सकते हो ना. इफ यू हैव समथिंग टू स्पीक अबाउट, देन ओनली यू विल गेट सेलेक्टेड. आइदर हैव लाइक If you don't want to do any other things, you don't want to do internships, you don't want to do certifications, don't do. But then you have to get a 100 percentile in CAT, yeah. Right? Even a 100 percentiler might not crack, you know, an IIM in the first attempt. So you have to think from that perspective, that worst se worst situation kya ho sakti hai meri, and uske worst situation ka best mein kaise kar sakte. सुपर. तो याद रखिए बच्चों, आज के बाद हर बंदा इमेजिन करेगा दैट यू गोना बी सिटिंग इन दैट गोल्डन चेयर फॉर श्योर. मानते हो कि नहीं? प्लेज करोगे कि नहीं? आज के बाद कोई भी कैट किंग स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा, टाइप करो प्लेज कि भाई मैं तो सिर्फ अभी तो तैयारी कर रहा हूँ, ये अगर आई एम अहमदाबाद जाना है, बंदी ने बोल दिया, तो चुप करके करना शुरू करेंगे. प्लेज 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 प्लेज. ग्रेट, आई कैन सी ऑल योर चैट एज वेल, ब्यूटीफुल. तो भाई ग्रेट, कॉलेज के अंदर इंप्रूव करिए या एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर करिए. अगर अंकिता ने बोला उसी, अंकिता आधी बात याद रखिए, अंकिता मैम ने तो बोला था कि कैट फाड़ देना, इंटर्नशिप वगैरह मत करना, उसने बोला कर लेना, बट वहां पे जाके भी तुम्हारा 100% एलपी भी कॉल कन्वर्ट नहीं होगा, तो याद रखिएगा वो हम नहीं चाहते हैं, राइट? प्रोफाइल को भी इंक्लूड करेंगे. अंकिता, नंबर फोर. तो नंबर फोर इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बोथ इन प्रेप एंड बोथ इन यू नो माइंडसेट एज वेल. यू हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे मेरा फोकस क्या है. मेरा फोकस इज एमबीए, राइट? ऑब्वियसली यू विल टारगेट
IIM, ABC, whatever is your dream college is. But be mindful there are other exams as well. सब पे focus करना है, सब कुछ crack करो, मतलब सब कुछ crack करने की कोशिश करोगे तब जाके एक crack होगी, right? You need to focus on that. So consistent preparation for the whole year will help. The time frame depends on you when you start preparing. If you're starting now, then of course 1 hour a day, 1.5 hours a day is enough. Taking into account both your reading time and everything, classes and everything, I think 1.5 hours per day is enough right now. But if you go on, like move on to Feb, March, then of course that will increase because then you eventually start giving mocks. Mocks तुम अप्रैल से नहीं दोगे, तुम इससे पहले से ही देना start कर देते हो. Superb, superb. There's a question regarding McKinsey का internship का interview. We'll speak about that. Aman, थोड़ा hold कर ले, ठीक है? रुक जाओ अभी. देखो, जो screen पे चल रहा है उसके बारे में बात करिए. We are here to teach you for getting into IIM, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, not to get into McKinsey and Co. But a great company है, मैं उस पर time spend करूँगा. But अब उनके बारे में बात करेंगे. चले भैया, number 5, last thing for the day, अंकिता. मैं चाहता हूँ और ज़्यादा बच्चे, last year अंकिता was leading a project with us. KPMG आएगा, तुम्हें फ़ोन करेगा कि भाई तुमने कैट किंग के अंदर कौन सा कोर्स लिया, सब कुछ पूरा का पूरा एंड टू एंड एकदम वेरीफाइड रिजल्ट प्रूव करने के लिए अंकिता ने बहुत काम किया था. अंकिता, पांचवी चीज बताइए यार, कि यार फिफ्थ चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? I'll concentrate here on two things. Okay, first thing is like whatever you're taught in classes, right? Like here in the class, sir will teach you something. Then in a quants class, another professor will come and teach you. So remember, they're just teaching you right now. It goes into your head once. Right, you have to keep retain it. वो retain करने के लिए आप practice नहीं करोगे तब तक नहीं retain होगा. So after class, like what I used to do is after the class, within a week or 10 days, I used to resolve the questions which were done in the class. So that would help me retain the concepts which were taught, and it again ties back to my second and fourth point as well. Right, you have to have a conceptual clarity and consistency. So that does help. And it also what you have to do at that time when you're revising is if you come across something which is, you know, very different, uses a different concept, different formula, you know, just bookmark it because that will help you revise it later. That is the first thing. Second, I would say not right now, must do things, but eventually what you have to do is give mocks, right? So what you can do right now is attempt topic tests. टॉपिक टेस्ट में क्या होगा कि तुम जो चैप्टर तुम्हें क्लास में पढ़ाई गई है, सपोज टुडे आई जस्ट सॉ दैट यू हैव पैरा जंबल्स इन टुडेज क्लास, राइट? सो वंस यू डन विद दिस पैरा जंबल्स, मे बी आफ्टर अ वीक और विद इन अ वीक, गो टू द पैरा जंबल्स टॉपिक टेस्ट एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. सो ये वाले क्वेश्चंस के अलावा भी आप कुछ सॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ रट नहीं रहे हो आपकी जो क्लास में कराया सिर्फ उतना ही करके मैं छोड़ दूंगा. यू विल हैव अ फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. बिकॉज कैट विल नॉट गिव यू रिपीटेड क्वेश्चंस और सेम क्वेश्चंस, दे गिव यू समथिंग वेरी डिफरेंट. So yes, practice from your dashboard, from your you know, whatever books you have. So do practice from that. Great. So people are asking about books as well. यार एक और बताओ मुझे, अंकिता, डैशबोर्ड पे जो सेक्शनल टेस्ट हैं, इन लोगों ने अगर मार्च 2022 तक सारे सेक्शनल टेस्ट, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट कर लिए, खत्म कर लिए, बिकॉज उनका लेवल बिल्कुल एलओडी लेवल 1 तक है, जहाँ की इनका 90% तक आना चाहिए, इज इट अ गुड टाइमलाइन टू फॉलो? Yes, definitely. Topic test तो करना ही चाहिए complete. And eventually sectional test पे आप जाते हो. Sectional test at least 50-60% आप कर लो तब तक, because आपको थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि आपको sectional test का purpose क्या होता है. सर purpose ये होता है कि आप कैसे वो section attempt कर रहे हो वो इतने टाइम में, सब अभी 40 minutes का हो गया CAT. So 40 minutes में आप कितने questions attempt कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो, right? So वो sectional test will help you build in that. So by March, definitely complete all your topic tests and try to complete as much sectional tests as possible, because you eventually have to start with full length mocks as well, right? Superb. And Ankita, you have been an integral part of the Cat King family, helping students to grow in the entire life cycle of the students. अभी end तक रहेंगे हम लोग, तुम्हारा साथ बना रहेगा, कुछ कुछ इनको help चाहिए होगी तो you'll be coming on the webinars with us and helping us. Definitely, sir. Whenever you call, we'll be there. And I have friends also who have worked here. And like last year, I remember we were, you know, working on mocks and you know, refining it. So yes, definitely we were there last year, and we'll definitely be here. Ankita, hamara kya target hai is baar ka? Kitne students hamare IIM Calcutta hone chahiye? 2000. Great. Last year, hamara target kya tha? 1000. Did we achieve that target?
Yes, we did. Definitely, yes. The boys and girls, whatever we decide, we got to turn the world upside down. I'm from SPJ in Bombay. Ankita is from IIM Ahmedabad. Anisha ma'am from Narsi Monji. Radhika ma'am from Jamnal Bajaj. And a good team of IIM Ahmedabad, the people who are going to come and be there for you. तो पढ़ते जाइए, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी कंसिस्टेंसी हिलगी, तुम्हारे कॉलेज में ये आ रहा है, तुम्हारे कॉलेज में वो आ रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनना है. आज बोल दिया है, चुप करके फॉलो करेंगे. आर यू गाइस विद मी? यस और नो? यस और नो? ग्रेट गाइस, से यस 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 यस. अंकिता, एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दीज ब्यूटीफुल गाइज? यार मैं इनको बोलता हूँ, बस डैशबोर्ड पे जितना मटेरियल है वही कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. इन द ऑल द स्ट्रेटजी साइड विच हैव बीन डिस्कसिंग, मैंने इनको ये बात बताई है, व्हाट यू थिंक, इज डैशबोर्ड अ ग्रेट टूल फॉर अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग ऑन हिज सेल्फ, एंड डू यू थिंक इट्स गोना बी हेल्पफुल विद द कैट किंग फैमिली? आई थिंक डेफिनेटली सर, इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज जितना आप हाथ मारोगे दूसरे जगह आप कंफ्यूज होगे. सो टेक टेक वन थिंग एट अ टाइम, कंप्लीट इट, रट लो उसको, एंड उसके बाद तुम जाओ ना बाकी चीजों पे. सब कुछ करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा. सो यस, डैशबोर्ड हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर वेरी यूजफुल, लाइक रेंजिंग फ्रॉम बुक्स टू मॉक्स टू डेली क्लासेस एटसेट्रा. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली यूटिलाइज दैट. That's so amazing. And people who are in the intensive course family, NMAT, IFT, तुम बस लगे रहना, ठीक है? तुम्हारी प्रिपरेशन अगले साल नवंबर 28 तक नहीं है, 28, 29 जो भी संडे होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन है नवंबर के बाद भी. मेरे को एक ना एक कॉलेज क्रैक करके बताना है, चाहे वो NMAT हो, प्रेफरेबली IIM ABC होना चाहिए, बिकॉज आज हम IIM ABC की बात करें, बट मैं चाहता हूँ हमारा कोई बच्चा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तुम्हारी कोई भी एज है, 30, 31, 25, 26, 21, वी डोंट केयर शिट अबाउट इट, बस सिर्फ पढ़ते रहना एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस विद यू. ग्रेट गाइस, से अ बिग थैंक यू टू अंकिता. अंकिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड यू बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड व्हाट यू डूइंग विद अस इज ग्रेट. इस बार हमारा 2000 का जो टारगेट है, हंस हंस के पूरा करेंगे. पिछली बार भी हमने हंस हंस के पूरा किया था, एंड देन अंकिता विल वर्क विद द KPMG टीम, गेट ऑल थिंग्स सॉर्टेड, गेट ऑल द रिजल्ट्स वेरीफाइड, और इंशाल्लाह तुम्हारे टाइम में हमारा टारगेट और बढ़ेगा. देर ऑल सेइंग थैंक यू टू यू. ग्रेट अंकिता, थैंक यू सो मच अगेन, एंड हैव अ गुड नाइट. टेक केयर, बाय बाय. Thank you so much, sir. Take Bye. care, have a good All night. All the best, bye-bye. everyone. Okay, lovely, thanks Ankita, bye-bye, have a good night. All right, boys and girls, so Ankita joining in from IIM Ahmedabad. तो मेरी जान पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, बहुत टाइम है अपने पास, बस मेहनत करनी है. और मेरा काम ये रहेगा, ये ज़रूरत नहीं है तुम्हें, हाँ मुझे बताने की कि ओ हमारे पास आई एम अहमदाबाद के लोग मॉक्स बना रहे हैं ये सब. मैं मिलवा रहा हूँ तुम्हें बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मोटिवेटेड. या आई वॉन्ट टू बी मोटिवेटेड एंड आई हैव यू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ डायरेक्शन कि जो हम बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं. बस तुम पढ़ाई छोड़ना मत, हाँ बस तुम पढ़ाई छोड़ना मत, बाकी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस. अरे इसके साथ ग्रेट लेक्स के डायरेक्टर, आई एम कैलकटा, आई आई टी के जो आई आई टी और आई एम कैलकटा के लोग हैं वो मंडे को आए थे. आज टिस्क के लोग आ रहे हैं इस साल के एलुमनाई को मिलने के लिए. FMS की बंदी आई थी कल रात को कैट 2020-21 वालों को मिलने के लिए. सो दीज थिंग्स आर गोन बी रियली, जो बोलते हैं ना बस सुन लिया करो. हाँ सवाल जवाब नहीं करना है अपने को, मैं क्या करूँगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना सवाल जवाब नहीं करना है, बस बिलीव करो. मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो उनको करो जिनके साथ लय जुड़ जाए, राइट? और आई एम श्योर तुम्हारी कैट किंग के साथ यूट्यूब पर लय जुड़ी थी, एंड देन यू गाइस हैव जॉइंड द फैमिली. सो यूज दिस रिसोर्सेज, यूज दिस अमेजिंग पीपल, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस विद यू. ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है. होप दिस इज हेल्पफुल, यस और नो? Hope this is helpful. Yes or no? Yes or no? Okay, great. All right, boys and girls, if you guys have enjoyed the video, and you guys can definitely hit the like button, and also if you guys want to join the Cat King family, main niche link dunga, aap log Cat King family bhi join kar sakte ho. Cat 2022 batch is starting from coming Monday. Par mehnat karni hai, aise tumhara bhi naam hona chahiye, tumhari bhi photo aani chahiye, and you gotta keep killing. Theek hai? Thank you so much. Bye bye. Take care.